अस्सलाम अरमीमकूम प्यारे बच्चों आज का टॉपिक है एल्गोरिथम एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम एल्गोरिथम को देख लेते हैं एल्गोरिथम एक्चुअली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं जिसको फॉलो किया जाता है और जो काम जो टास्क दिया गया है वो कम्प्लिश होता है ये स्टेप्स ह्यूमंस भी फॉलो करती हैं और जो हम कंप्यूटर को अगर ऐसा कोई टास्क करने को दें तो वो कंप्यूटर भी इसको फॉलो करता है सिस्टमेटिक प्रोसीजर है हमें पिछले लेक्चर में इसको देख चुके हैं जिस तरह आपके सामने एक एग्जांपल है कि सबसे पहले एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क कैसे करता है और हमें रियल लाइफ में किस तरह से हेल्प आउट करता है कि स्टेप वन होता है कि थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट योर एलगोदम टू डू फिर हम उस तमाम स्टेप्स uh, को कोड में लिखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो हमारी वर्किंग कंडीशन में आ जाता है नेक्स्ट आपको एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है कि स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल स्टेप्स ना सपोज सबसे पहले स्टार्ट होता है एलगोरिदम कोई इनपुट आती है उसमें जिस तरह कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं उससे उसके बाद उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसकी कोई ना कोई डिसीजन हम लोग लेते हैं डिसीजन के बाद उसका आंसर हमने एज आउटपुट स्क्रीन पे शो करना होता है और उसके बाद हम उस एलगोरीदम को स्टॉप कर देते हैं यानी उसकी वर्किंग कम्प्लीट हो जाती है द टास्क इज़ अकम्प्लिश्ड उसके बाद आती हैं जी एलग्रेदम की करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या हो सकती हैं कि इसके अंदर वेल डिफाइंड इनपुट्स हम डालें वेल डिफाइंड आउटपुट निकलेगा फिर डेफ़िनेटली क्लियर और अनएम्बिगुस होना चाहिए इसके अलावा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए फिजिबिलिटी क्या है फाइनाइटनेस क्या है ये तमाम पॉइंट्स हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सो दीज आर द मेन बेसिक यू कैन से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम जी बेटा सबसे पहले आता है अनएम्बीगुस यानी कि क्लियर होना चाहिए एल्गोरिदम उसके कोई पॉइंट्स ऐसे ना हो जिसमें एम्बिग्विटी होए को मिक्स हुआ हुआ पॉइंट समझ नहीं आ रहा इनपुट्स या आउटपुट्स हो दैट शुड बी क्लियर अनफ ताकि इजीली उसको समझा जा सके और उसके मुताबिक हम कोड को लिख सकें बेसिक हमारा जो आउटपुट है वो कोडिंग होती है उसके अलावा एक प्रोग्राम डिज़ाइन होता है तो हम वो कर सकें तो ही पॉसिबल है कि अगर एलगोरीदम आपका क्लियर होगा नेक्स्ट इज़ इनपुट इनपुट वेल डिफाइंड होनी चाहिए ठीक है uh, कोई प्रॉब्लमेटिक इनपुट ना हो जो आगे जाके आपको दोबारा आप उसको वापस आके सही करना पड़े ऐसी वेल डिफाइंड आउटपुट्स होनी चाहिए इसकी कि क्लियर डेफिनेटली जब उसमें अनइम्बिगुअस होगा और क्लियर इनपुट आउटपुट उसकी होगी तो यूज़र uh, के लिए भी आसानी होगी नेक्स्ट इज़ फाइनाइटनेस फाइनाइटनेस का मतलब क्या है के, uh, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ स्टेप्स तक वो काम करे उसके बाद उसका काम खत्म हो जाए ये नहीं है कि वो बार 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 स्टेप्स रिपीट भी होते हैं इसकी टाइप्स पे भी हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि कैसे रिपीट होते हैं इस किस्म का कोई प्रोसेस ना हो फाइनाइटनेस हो नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट हों उसके अंदर उसका काम मुकम्मल हो जाए नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ फिजिबिलिटी द एलगोदम मस्ट बी सिंपल जेनेरिक एंड प्रैक्टिकल सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद दी अवेलेबल रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्स के अकॉर्डिंग वो काम करेगा तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी गुड अगर उसको अपने काम करने के दरम्यान अवेलेबल रिसोर्स के बजाय और सोर्सिस चाहिए होंगे या उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए uh, तो देट वुड नॉट बी अ गुड एलगुरिदम नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मीन्स वॉट दैट वुड बी वी कैन सेट लैंगज इंडिपेंडेंट दैट द एलगुरदम मस्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी कोड किसी में भी लिख सकते हैं आप आपको प्रॉब्लम ना हो कि सी प्लस प्लस में लिखा हुआ एक एलगोरिदम है जो सी प्लस प्लस के कोड के लिए लिखा है तो आप वही जावाके लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसमें आपको आ, ये मसला ना हो कि आ, एक लैंग्वेज का कोड दूसरे में एक लैंग्वेज के लिए बनाया गया एलगोरिदम दूसरे में यूज़ ना हो ऐसे नहीं होता इसलिए इसको हम उसको जेनेरिक बोलते हैं सिंपल होता है जेनेरिक होता है प्रैक्टिकल होता है सो एलग्रिदम शुड हैव स्टेप बाई स्टेप डायरेक्शन विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड जीपी टाइप्स की मान आती हैं टाइप्स ऑफ एलगोरिदम टाइप्स ऑफ एल्गोधम में हमारे पास आती हैं ब्रूट फोर्स एलगोरिदम रिकर्सिव एलगोरिदम सॉर्टिंग डिवाइड एंड कंकर एलगोरिदम और रेंडमाइज्ड एलगोरिथम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स एल्गोदम को ब्रूट फोर्स एल्कुरदम क्या है ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है किसी भी मसले को सॉल्व करने की इसके अंदर तमाम पॉसिबल सोल्यूशनस को देखा जाता है और अनटिल रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज फाउंड सो दिस इज वेरी ईजी एंड सिम्पल वन नेक्स्ट इज रिकलगोरिदम क्या है इन दिसम पार्ट और फिर उसमें से जिस पार्ट की हमें फर्द बार बार जरूरत होती है उस पार्ट को बार बारिवली यूज uh, करते हैं और uh, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव एलगोरिथम सॉटिंग एलगोदम आए इसके नेम से ज़ाहिर होता है जी द एलगोरिदम्स इन अरेजिंग ग्रुप ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर कॉल्ड सॉर्टिंग एलग्रदम्स मतलब आपको सॉर्ट uh, किया है अगर इस एलग्रदम ने uh, किसी भी डेटा को तो डेफिनेटली इट वॉल इन द ग्रूप ऑफ शॉर्टिंग एलग्रदम नेक्स्ट इज डिवाइड एंड कॉन्कर एलग्रिदम डिवाइड एंड कॉन्कर बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और हर सिंगल सब पार्ट को सॉल्व करना और उसके बाद उन तमाम के सोलूशन को आपस में मर्ज कर देना ताकि एक फ़ाइनल सोल्यूशन आपके पास आ जाए दैट इज़ वाट वी कॉल अ डिवाइड एंड कौन कर एल्कुरथम नेक्स्ट इज रेंडमाइज्ड एल्कुरेदम रेंडमाइज्ड एल्कुरेदम क्या होता है इसमें हम रेंडम नंबर्स यूज करते हैं सो इट गिवस इमिडिएट बेनिफिट द रेंडम नंबर हेल्प इन डिसाइडिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब रेंडमली आपने डिसाइड किया और जो भी नंबर आपने उसमें इनपुट किया और उसके बाद आपके पास एक एक्सपेक्टेड आउटकम आपको इजीली डिसाइड हो सकता हो सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की करेक्ट्रिस्टिक्स क्या है एल्गोरिथम की टाइप्स क्या है ये सब हम आज के लेक्चर में कवर अप कर चुके हुए हैं इससे नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर uh, सीक्वेंस का लेक्चर आएगा इन शाला ओके गर्ल्स गुड लक एंड हैव फन थैंक यू अल्लाह